नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ हसन आसिफ। पेश खिदमत है आपके लिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कुछ नायाब तारीखी फैसले। नाज़रीन, इंसाफ की तारीख गवाह है कि मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बेमिसाल फ़ैसले किए कि जिन्होंने इंसानी अक़लों को हैरान कर दिया। यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे मौके थे जहाँ लोगों को ये तक ना समझ में आता था कि बातिल क्या है और हक क्या है, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने होठों से जो फ़ैसला कर दिया वो आखिरी फ़ैसला माना गया। नाज़रीन, इसी सिलसिले के कुछ अहम वाक़ियात आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएँगे। इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि किसी गूंगे इंसान से कसम कैसे ली जाएगी। आपने फरमाया, खुदा का शुक्र है उसने मुझे दुनिया से उस वक्त तक ना उठाया जब तक मैंने उम्मत मुस्लिमा की हर मुश्किल हल ना कर दी। फिर आपने कलाम मजीद मंगाया और उस गूंगे इंसान को दिखा कर पूछा, ये क्या है? उसने आसमान की तरफ सर उठाया, जिसका मतलब ये खुदा की किताब है। फिर आपने उस गूंगे के बराबर उसके भाई को बिठाया और जनाब कंबर से कहा, दवात और कागज़ लाओ। उनके आने पर आपने गूंगे के भाई से कहा कि इस गूंगे को समझाओ कि तुम्हारे मुद्दई के दरमियान अली है। भाई ने गूंगे को ये बात समझा दी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कागज़ पर यह तहरीर लिखी जिसका तर्जुमा है, कसम उस माबूद की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो हाजिर व गायब का आलिम है, रहमान व रहीम है, तलब करने वाला और गालिब आने वाला है, नुकसान पहुंचाने वाला और फ़ायदा पहुंचाने वाला है, जो हलाक करने वाला भी है और पालने वाला भी, जो हाजिर व बातिन दोनों का आलिम है, कि फला बिन फला काम का मेरे ज़िम्मे कोई हक नहीं है और ना किसी तरह का कोई मुतालिबा है। ये तहरीर लिखकर आपने उसे एक बर्तन में धोया और गूंगे से कहा कि इसे पी जाओ। उसने पीने से इनकार कर दिया। अब आपने मुद्दई के हक में फ़ैसला कर दिया और गूंगे को उसके मुतालिबा का ज़िम्मेदार करार दिया। जनाब सैयद रज़ी फरमाते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने तुम्हारे साथ ज़ियादती और जुल्म किया है, अगर तुम उससे कसम लो तो यूँ लो कि मैं खुदावंदे आलम की क़ुव्वत व ताकत से बरी हूँ। अगर वो इस तरह झूठी कसम खाएगा तो उसे जल्द ही सज़ा मिल जाएगी, और अगर इस तरह कसम खाएगा कि मैं उस माबूद की कसम खाता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, तो उसे फ़ौरन सज़ा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसने वहदत खुदावंदी का इकरार कर लिया है। खलीफा दोम के सामने एक ग़ुलाम लाया गया जिसने अपने मालिक का कत्ल कर दिया था। खलीफा ने उस ग़ुलाम को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उस ग़ुलाम को बुलवाया और उससे पूछा, क्या तुमने अपने मालिक का कत्ल किया है? उसने कहा, हाँ मैंने किया है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उससे कत्ल करने की वजह पूछी। ग़ुलाम ने कहा, मेरे मालिक ने मुझे मजबूर करके मेरे साथ बुरा फेल किया, इसलिए मैंने उसे कत्ल कर दिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मरने वाले के वारिसान से पूछा, क्या तुमने अपने अजीज़ को दफन कर दिया? उन लोगों ने कहा, जी हाँ हम उन्हें दफन कर चुके। आपने पूछा, कब दफन किया? उन लोगों ने कहा, बस अभी दफन से फारिग हुए हैं। अब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खलीफा से कहा कि तुम इसे अभी कत्ल ना करवाओ, बल्कि 3 दिन के लिए क़ैद में डाल दो और इसे कोई सज़ा ना दो जब तक 3 दिन ना गुजर जाए। फिर आपने मरने वाले के वारिसान से कहा, जब 3 दिन गुजर जाएं तो आप लोग मेरे पास आइएगा। 3 दिन के बाद वो लोग हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास आए और आपने उन लोगों को और खलीफा को भी साथ लिया और मरने वाले की कब्र के पास पहुँचे और मक्तूल के रिश्तेदारों से कहा कि यही तुम्हारे अजीज़ की कब्र है? उन लोगों ने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, इस कब्र को खोदो। उन लोगों ने कब्र खोद डाली और यहाँ तक कि वो लोग लहद तक पहुँच गए जिसमें मुर्दा लिटाया जाता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस मैयत को लहद से बाहर निकालो। उन लोगों ने देखा कि वहाँ सिर्फ कफन मौजूद था लेकिन मैयत नहीं थी। उन लोगों ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को आकर ख़बर दी तो आपने 2 बार नारे तकबीर बुलंद फरमाया और कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला ना मैं कभी झुठलाया गया। मैंने पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मेरी उम्मत में से जो शख्स कौम लूत वाली हरकत करेगा उसे उस वक्त तक छोड़े रखा जाएगा जब तक वो मर ना जाए और मर कर कब्र में ना पहुंच जाए, और कब्र में पहुंचने के 3 दिन के अंदर वो कौम लूत में शामिल हो जाएगा।
और वो रोज़े हश्र उन्हीं के साथ अपने अंजाम को पहुँचेगा। एक नौजवान ने खलीफा दोम से अपने बाप का तरका मांगा और कहा कि जब मेरे बाप का इंतकाल हुआ था तो मैं बहुत छोटा था। खलीफा दोम ने डांट फटकार कर उसे भगा दिया। वो नौजवान हर एक से फरियाद करने लगा। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम को उसका हाल मालूम हुआ तो आपने लोगों से कहा, उसे मस्जिद में लेकर आओ, मैं उसकी हकीकत जाहिर कर दूंगा। लोग उसको मस्जिद में लेकर आए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उससे पूरा हाल पूछा। उस नौजवान ने पूरा हाल सुनाया और वही कहा जो खलीफा दोम से कहा था। अब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारे मुकदमे का ऐसा फ़ैसला करता हूँ कि जो खुदावंदे आलम ने सातवें आसमान पर फरमाया है। ऐसा फ़ैसला वही कर सकता है कि जिसका इल्म और दानिशमंदी खुदा को पसंद हो। फिर हज़रत ने एक साहबी को बुलवाया और कहा, कुदाल और फड़वा लाओ और हमारे साथ इस नौजवान के बाप की कब्र तक चलो। सब के सब उस कब्र पर पहुँचे। मुश्किल कुशा ने फरमाया कि कब्र खोदो और मुर्दे की कोई पसली निकालो। फिर एक पसली निकाली गई और मौला ने वो पसली नौजवान को देकर कहा, इसे सूंघो। उस नौजवान ने जैसे ही उस पसली को सूंघा, उसके दोनों नखनों से खून बहने लगा। मौला ने फरमाया, बेशक तुम इस मरने वाले के फर्जंद हो। अब खलीफा दोम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कहा, क्या आप सिर्फ इसके नथनों से खून जारी होने की वजह से इसको मरने वाले का माल दे देंगे? मौला ने फरमाया, ये नौजवान अपने बाप के माल असबाब का आपसे और तमाम खिलकत से बढ़कर हकदार है। फिर आपने तमाम मौजूद लोगों से कहा कि वो इस पसली को सूंघे। सब ने बारी बारी से पसली को सूंघा, लेकिन किसी की नाक से खून नहीं बहा। मौला ने दोबारा उस नौजवान से उस पसली को सूंघने को कहा और उसने जैसे ही पसली सूंघी, उसकी नाक से दोबारा खून जारी हो गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक नौजवान मरने वाले का बेटा है और मरने वाला इसका बाप है। उसकी सारी दौलत इस नौजवान के हवाले कर दी जाए। और फिर आपने फरमाया कि मैंने ना कभी झूठ बोला और ना ही झुठलाया गया। एक बार पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बद्दू अरब से 400 दिरहम में एक नाका ख़रीदा। बद्दू अरब ने दिरहम ले लेने के बाद ये दावा किया कि ये दिरहम मेरे हैं और नाका भी मेरा है। इतने में सामने से खलीफा अव्वल आते दिखाई दिए। पैगंबर इस्लाम ने उनसे फरमाया कि मेरे और इस बद्दू अरब के दरमियान फ़ैसला करो। खलीफा अव्वल ने कहा, मामला साफ है, ये बद्दू सबूत मांग रहा है। इतने में खलीफा दोम भी वहाँ पहुँच गए। पैगंबर इस्लाम ने उनसे भी फैसला करने को कहा। उन्होंने भी वही जवाब दिया कि आप सबूत पेश कीजिए कि आपने इसे इसके नाके की कीमत दे दी। अब सामने से हज़रत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते दिखाई दिए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बद्दू अरब से कहा कि क्या इस नौजवान का फ़ैसला तुम्हें मंजूर है? उसने मौला अली अलैहिस्सलाम को देखकर कहा, हाँ मंजूर है। फिर उस बद्दू अरब ने मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि ये नाका मेरा है और ये दिरहम भी मेरे हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दावा है तो सबूत पेश करें। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस बद्दू अरब से 3 मरतबा कहा कि नाका रसूल खुदा के हवाले कर दो, लेकिन बद्दू अरब ने इनकार किया। नतीजे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उस बद्दू अरब का सर उड़ा दिया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जब ये ईमान रखते हैं कि आप खुदा के रसूल हैं, आप पर वही नाजिल होती है, तो 400 दिरहम पर क्यों नहीं यकीन करते? रसूल खुदा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा, तुमने इसे क्यों कत्ल कर डाला? आपने जवाब में फरमाया कि इसने आपकी तौहीन की थी। जो आपकी तौहीन करे और आपको झूठा साबित करे, उसका खून मुबाह है। खलीफा दोम के सामने दो शख्स आए और एक ने दूसरे पर यह इल्ज़ाम लगाया कि इसकी गाय ने मेरे ऊँट का पेट फाड़ दिया है। खलीफा दोम ने कहा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैसला कर चुके हैं कि बेज़बान जानवर का ना कोई बदला लिया जाता है और ना ही कोई हर्जाना। यहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल खुदा का हुक्म है कि इस्लाम में अपने भाई को नुकसान पहुँचाना नहीं है, ना तो नुकसान के बदले नुकसान देना, यानी किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ और ना नुकसान के बदले उसको नुकसान पहुँचाएँ, बल्कि मुआफ़ कर दें और दरगुजर कर दें। अगर गाय के मालिक ने गाय को ऊँट के रास्ते पर बांध दिया तो उसे तावान देना ज़रूरी है। पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि मदीने के बाहर का कोई शख्स गाय लेकर आया था और उसने उसे ऊँट के रास्ते में बांध दिया था। खलीफा दोम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बताए हुए फ़ैसले पर अमर किया।
और ऊँट के मालिक को हरजाना दिलवाया गया। नाज़रीन, ये थे हज़रत अली अलैहिस्सलाम के वो नायाब फ़ैसले कि जिन फ़ैसलों पर तारीख़ इंसाफ को फ़ख्र है। नाज़रीन, लोगों ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मौके मौके पर ऐसे सवालात किए हैं जिनके जवाब चहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के सिवाय इस कायनात में कोई नहीं दे सकता। उसी सिलसिले से कुछ सवालात और उनके जवाब जो मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए हैं वो आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया कि ये बताइए मशरिक़ से मगरिब के दरमियान कितनी दूरी है। आपने जवाब में फरमाया, मशरिक़ से मगरिब के दरमियान इतनी दूरी है कि सूरज एक दिन में तय कर लेता है। आपसे पूछा गया, अगर किसी शख्स को कमरे में बंद करके दीवारें चुन दी जाएं तो उसका रिस्क कहाँ से उस तक पहुँचेगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसका रिस्क उसी रास्ते से उस तक पहुँचेगा जिस रास्ते से उसकी मौत आएगी। आपसे पूछा गया कि इतनी बेशुमार खुदावंदे आलम की खिलकत है, इस खिलकत से रोज़े महशर हिसाब किताब कैसे किया जाएगा। आपने फरमाया कि जिस तरह से खुदावंदे आलम इस खिलकत को रिस्क देता है। फिर पूछा गया कि जब बंदे खुदा को देख ही नहीं सकते तो बंदों से हिसाब कैसे लिया जाएगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह अल्लाह निगाहों से ओझल होने के बाद उन्हें रिस्क पहुँचाता है। आपसे पूछा गया कि ये बताइए कि पानी का मज़ा क्या है। आपने जवाब में फरमाया कि पानी का मज़ा वही है जो ज़िंदगी का मज़ा है। आपसे पूछा गया कि हक और बातिल के बीच कितनी दूरी है। आपने जवाब दिया, सिर्फ चार अंगुश्त यानी उतनी ही दूरी है जितनी कानों और आँखों के बीच में है। कान से जो सुनो वो बातिल है, आँखों से जो देखो वो हक है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आसमान और ज़मीन के बीच में कितना फ़ासला है। आपने जवाब दिया कि जितना निगाह देखती है और इतना कि मज़लूम की दुआ को पहुँचते देर नहीं लगती। जो पूछना हो पूछो। नाज़रीन, तारीख़ कायनात गवाह है कि किसी बड़े से बड़े आलिम ने आज तक सच तो दूर की बात ये झूठा दावा भी नहीं किया कि जो पूछना हो पूछो। लेकिन लाखों सलाम अज़मत मौलाए कायनात हज़रत अली इबन अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर कि जिन्होंने ये दावा किया कि जो पूछना हो पूछो, इससे कबल मैं तुम्हारे दरमियान से रुखसत हो जाऊँ। और आप अपने इस दावे पर हमेशा कायम रहे, और कायम ही नहीं बल्कि कामयाब और कामरान रहे, और अपने दर से किसी भी सायल को मुतमईन किए बगैर नहीं पलटाया। नाज़रीन, इसी उन्वान से मुतालिक हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कुछ अहम जवाबात आपके सामने पेश करेंगे। दो आदमी शहर शहर घूमकर आपस में एक दूसरे को ग़ुलाम की हैसियत से बेचा करते थे, फिर कुछ अरसे के बाद भाग जाते थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उन दोनों के लिए ये हुक्म दिया कि उन दोनों के हाथ काट डाले जाएं। उसका सबब यह हुआ कि ये अपना नफ्स भी चोरी करते थे और दूसरों का माल भी लेकर गायब हो जाते थे। दो यहूदियों ने किसी एक यहूदी के लिए ये गवाही दी कि वो मुसलमान हो गया है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से जब इस बारे में राय ली गई तो आपने फरमाया कि उनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि यहूदी कुरान में बदलाव के कायल हैं और उनके यहाँ झूठी कस्में खाना जायज़ है। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के हवाले से हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ये हुक्म मिलता है कि अगर कोई शख्स हज करने का इरादा करे और हज पर जाने से पहले बीमार हो जाए और ना जा सके तो जो भी उसके हज का जाने का खर्च आता है वो शख्स किसी दूसरे को देकर उसे हज के लिए भेज दे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक हुक्म ये भी है कि अगर कोई बाप अपने बेटे को कत्ल कर दे तो बाप को कत्ल नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर बेटा अपने बाप को कत्ल कर डाले तो बेटे को सज़ा के तौर पर कत्ल किया जाएगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि वो दो भाई कौन हैं जो एक दिन ही पैदा हुए और एक ही दिन मर गए, मगर एक भाई ने 50 साल की ज़िंदगी पाई और दूसरे भाई ने 150 साल की ज़िंदगी पाई। जवाब में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो दो भाई उज़ैर और अज़ीज़ हैं, वो एक ही दिन पैदा हुए और एक ही दिन मर गए, लेकिन खुदा ने उज़ैर को 100 साल तक मुर्दा रखा फिर दोबारा ज़िंदा कर दिया। आपने समंदर के मुतालिक फरमाया कि एक फरिश्ता समंदरों पर तैनात किया गया है जिसका नाम रूमान है। जब वो अपने कदम समंदर में डालता है तो समंदर छलक पड़ता है, और जब अपना कदम समंदर से बाहर निकालता है तो समंदर सिमट जाता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि वो वक्त बताइए कि जो ना दिन में शामिल हो और ना रात में। आपने जवाब दिया कि वो वक्त सूरज निकलने से पहले का है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जब अपना मशहूर खुतबा खुतबा शकशक या इरशाद फरमा रहे थे तो उस वक्त एक शख्स बीच में खड़ा हो गया और उसने
हज़रत अली अलैहिस्सलाम को एक ख़त दिया, जिसकी वजह से आपको अपना वो बेमिसाल खुतबा बीच में रोक देना पड़ा। उस ख़त में बहुत से सवाल थे जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछे गए थे। उनमें से एक सवाल ये था कि वो कौन सा जानदार है कि जो दूसरे जानदार के पेट से पैदा हुआ, मगर उन दोनों जानदारों में आपस में कोई रिश्ता नहीं था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे जो मछली के शिकम से बरामद हुए थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि वो कौन सी चीज़ है जिसने ज़िंदगी में सैराबी हासिल की और मरने के बाद भी शिकम सैर हुई। आपने फरमाया कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है कि जब तक दरख्त की शाख था सैराबी हासिल करता रहा, और दरख्त से कटने और असा बन जाने के बाद जादूगरों की रस्सियों और छड़ियों को खा गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि वो कौन सा परिंदा है जिसके कोई बच्चे नहीं हुए। आपने फरमाया, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का परिंदा था कि जिसके मुतालिक कुरान करीम में बयान किया गया है कि जबकि तुम हमारे हुक्म से मिट्टी से परिंदा जैसा खल्क कर रहे थे और उसमें फूंक रहे थे, और वो मेरे हुक्म से परिंदा हो जाता था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ज़मीन का वो कौन सा पाकीज़ा तरीन हिस्सा है कि जिस पर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। आपने फरमाया, ज़मीन का वो पाकीज़ा तरीन हिस्सा खाना काबा की छत है। आपसे पूछा गया कि वो कौन सी इबादत है जो अदा की जाए तो भी इंसान सज़ा का मुस्तहिक हो, और अगर ना अदा की जाए तो भी सज़ा का मुस्तहिक रहे। आपने जवाब में फरमाया कि वो मस्तों की नमाज है, और इरशाद इलाही है कि नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ। अब अगर कोई नशे की हालत में नमाज पढ़े तब भी गुनाहगार, और अगर नमाज ना पढ़े तब भी नमाज छोड़ने का गुनाहगार। सेहतमंदी के नुस्खे। नाज़रीन, अब हम आपको सेहतमंदी के वो नुस्खे बताएंगे कि जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने तजवीज़ किए हैं, जिस पर अमल करके हम अपनी सेहत को बेहतर रख सकेंगे। नाज़रीन, अल्लामा शेख कुलैनी ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ ऐसे नुस्खे बताए हैं जो इंसानी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इरशाद है, इंसान को पाबंदी से मछली नहीं खाना चाहिए। अगर कोई शख्स रोज़ मछली का इस्तेमाल करता है तो उसका बदन घुल जाएगा, इसलिए आदमी को अपने खाने पीने में रोज़ मछली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गर्मी में अखरोट खाने वाले के जिस्म के अंदर गर्मी और बेचैनी पैदा होती है, और जिस्म के बाहरी हिस्सों में ज़ख्म पैदा हो जाते हैं, और जाड़े में अगर कोई शख्स अखरोट खाता है तो गुर्दों को गर्मी मिलती है और ठंडक दूर होती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर इंसान बुखार में मुब्तिला है तो उसे बनफिशा से कम किया जा सकता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रात का खाना न खाने से इंसान के जिस्म में ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गाय का दूध इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गाय का दूध एक दवा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान को सेब खाना चाहिए, क्योंकि इससे मैदा साफ होता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि बेही खाने से कमज़ोर दिल को ताकत मिलती है और मैदा पाक रहता है, और जंगली पुदीना खाना चाहिए, क्योंकि ये मैदे के लिए रोएदार हो जाता है। जैसा कि तौलिए में रोए होते हैं, ये भी मैदे के लिए दवा है। और इंसान को झावे से पैर नहीं रगड़ने चाहिए, क्योंकि इससे जुजाम यानी कोढ़ होने का ख़तरा रहता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खाने की शुरुआत नमक से करनी चाहिए। नमक में क्या फ़ायदे हैं, अगर लोगों को मालूम हो जाए तो वो मुजर्रब तरियाक से नमक को अफजल समझने लगेंगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इल्म सिर्फ दो ही है, पहला दीनों का इल्म और दूसरा जिस्मों यानी बदनों का इल्म। नाज़रीन, इसी के साथ अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह हम फिर जल्दी ही हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।